और देखिए इस बीच देश में एक और मुद्दा लगातार जोर शोर से चल रहा है, वो है आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले मामले में उलझना। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सुनिए क्या कुछ कह रही। गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद, अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे